नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे हम लाहौरी चना। तो लाहौरी चना बनाने के लिए मैंने आधा किलो चना ले लिया, उसको मैंने चार सीटी दिलवाने के लिए रख दिया एक साइड में। तो ये है एक पैन, पैन के अंदर मैंने डाल दिया है एक चम्मच का, एक करछी भर के सरसों का तेल। तो आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और उसको मैंने गर्म करने के साथ ही डाल दिया है आधी चम्मच ज़ीरा। तो आधी चम्मच ज़ीरा को डालने के साथ ही मैंने तेल के अंदर कर दिया इसकी अच्छे से भुनाई, और इसके अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा सा मैं हींग डाल दूँगी, हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हींग इसी तेल के अंदर, और डालते ही इसको अच्छे से तड़का दिया है मैंने। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको फिर से एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, अब ना इसके अंदर दो तीन खड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे। लाल मिर्ची डालने के बाद इसको फिर से मैं चलाती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे बनने जा रहे हैं लाहौरी चना। तो लाहौरी चना बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है तीन बड़े प्याज। तो आप बारीक बारीक हाथ से भी काट सकते हो, आप मिक्सी में भी बारीक बारीक पीस सकते हो, लेकिन मैंने इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने ना पाँच छः हरी मिर्ची को भी डाल दिया इसके साथ ही। तो इसी तेल के अंदर मैं इसको अच्छे से ना प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करने हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन। तो फ्रेंड आप एक बात का ध्यान रखना कि आपको ना आँच को बिल्कुल मीडियम रखना है। तो मीडियम आँच के ऊपर जो आप प्याज फ्राई करोगे ना, भूनोगे, उसका तो अलग ही एक कलर, एक टेक्सचर अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि धीरे धीरे मैंने इसको चलाया और इसका कलर देखिए हो गया है चेंज। तो यहाँ पे डाल दूँगी एक अदरक लहसुन का एक चम्मच भर के इसके अंदर पेस्ट डाल दिया है, और पेस्ट को भी मैं अच्छे से फिर से चलाती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा ना नमक डाल देना है ताकि प्याज का कलर जल्दी से ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर डाल देती हूँ नमक। ये देखिए फिर नमक डालने के बाद फिर मैं इसको चलाती हूँ। और यहाँ पे क्या करना है ना, आपको देख ही रहे हो मैंने इसको कितना ही हल्का हल्का इसका कलर बिल्कुल इस तरह से ही करना है फ्रेंड, इतना ही इसका कलर आना है। तो मैं आपको जो धनिया दिखा रही हूँ ना, आपको धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, धनिया पत्ती ज़्यादा लेना है। तो मैं ना इस धनिया पत्ती को ना चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड इससे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, 1/4 स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया हल्दी का पाउडर, और ये थोड़ा सा डाल दिया मैंने आमचूर, और ये है धनिया पाउडर। तो इन सबको डालने के साथ मैं इसको अच्छे से फिर से चलाती हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे अब मसाले जल ना जाए तो इसके अंदर जाएगा ये जो मैंने चॉपर किया हुआ धनिया है ना, इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो फ्रेंड अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप सिलवट्टे के ऊपर भी इसको अच्छे से पीस सकते हो। मेरे पास सिलवट्टा नहीं है इसलिए मैंने इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। तो अब देख रहे हो कि जैसे मैंने धनिया पत्ती डाली है तो इसका कलर ज़्यादा हरा हरा आ गया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर धनिया पत्ती ज़्यादा डाला है। तो इसके अंदर डालना भी ज़्यादा ही है ताकि इसका जो कलर एकदम ग्रीनिश ग्रीन 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 हो जाए। तो फ्रेंड देखिए मैं इसको चला लेती हूँ अच्छे से एक बार। तो अब क्या करेंगे, अब चलाने के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अब ना इसको ना थोड़ी देर के लिए ना हम ढक देते हैं फ्रेंड। ढक के पकाने के बाद जो इसका मसाला है ना अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे ना ये देखिए चने को एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये है चना, और इसको चार सीटी दिलवाई थी ना, तो यहाँ पे चना भी अच्छे से गल गया है। और ये देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा रुई की तरह से ये गल गया है। तो करते हैं इसको साइड में और वापस से ले लेते हैं पैन। और अब इसको क्या करेंगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, और ये अभी धनिया पत्ती जब तक अच्छे से तेल के अंदर फ्राई नहीं होगा तब तक के लिए इसको अभी चढ़ाए रखना है, और ना थोड़ी देर के लिए इसको ढक लेती हूँ तो ताकि ये जो पानी है अच्छे से सूख जाए। तो ये देखिए फ्रेंड पानी भी सूख गया और मसाला भी अच्छे से भून गया है। और ना अब इसके अंदर जाएगा जो छोला दिखाया ना मैंने, इस छोले को सारा डाल देना है इसके अंदर, और इसको ना इसी मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है ताकि पानी भी सूख जाए और चना भी अच्छे से, चने की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखिए चना डालते ही अच्छे से इसके अंदर मसाले के अंदर पूरा कोटिंग चने के ऊपर लग गया है। और ना आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए इसको इसी आँच के ऊपर इसको अच्छे से चलाऊँगी ताकि पूरा पानी अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर ना एक चम्मच बड़ा भर के हम मलाई डाल देंगे।
तो मलाई डालने के बाद जो इसका कलर है ना बहुत बढ़िया आएगा और इसका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे मलाई डाल दी और जैसे कि मलाई डाल दी और आप देख रहे हो इसका कितना ही बढ़िया कलर आ गया है। तो ये देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। तो ढकने के बाद फिर अब आपको दिखाऊँगी कि इसका लास्ट जो इसका लुक है वो दिखाऊँगी। और ये देखिए पूरा तेल छूट चुका है और मैं इसको एक बार अपना एक बाउल के अंदर डालती हूँ और यहाँ पर डाल देती हूँ एक हरी मिर्ची कटी हुई। और ये देखिए फाइनल लुक इसका बनके रेडी हो चुका है। और अगर आपको पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखिए सिनेमैटिक शॉर्ट्स।